हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी सेलेरियो के बारे में। तो ये सेलेरियो का पूरा जनरेशन अपडेट है, ये सेकेंड जनरेशन में अब आती है। तो इसमें सब काफ़ी के ज़्यादा चेंजेस किए गए, इसका इंजन नया है, प्लेटफॉर्म नया है, डिज़ाइन नई है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले इसी कार के बारे में। तो ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं, ये इसका मिड वेरिएंट है VXi, जो सबसे ज़्यादा बिकेगा इसके लाइनअप में। तो इसमें चार वेरिएंट्स आते हैं, LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस। और VXi वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन आता है, पर आज हम देखने वाले इसका मैनुअल वेरिएंट, क्योंकि VXi AMT और VXi में भी थोड़े आपको चेंजेस मिलते हैं, उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिलती है, थोड़ी पोलराइजिंग लुक है, पर समय के साथ ये आप पे ग्रो करेगी। बीच में आपको मिल जाएगा इसका सुजुकी का लोगो और दो क्रोम की लाइंस जो साइड में है, और ऐसी कुछ आपको यहाँ पे ग्रिल मिलती है। ये पूरी की पूरी रीडिज़ाइन की गई है। इसके हेडलैम्प्स की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे पूरा आपको हेलोजन का यूनिट्स मिलते हैं, कोई LED का आपको यहाँ पे सेटअप नहीं मिलेगा इसके टॉप वेरियंट में भी। और ये हेलोजन के लिए लो बीम, हाई बीम, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी इसके इंडिकेटर्स, और ऐसी कुछ आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिलती है। VXi वेरिएंट में आपको ऑब्वियसली फॉग लैंप्स नहीं मिलते, जो बाकी मारुति गाड़ी के साथ जैसा वैसा ही है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी रेडिएटर, और यहाँ पे ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन किया गया है इसका फ्रंट बम्पर। अगर बात करते हैं इसकी इंजन की, तो इंजन भी इसका पूरा का पूरा नया है, जो है 1 लीटर K10C इंजन। K10B था पहले, अब K10C है। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी माइलेज दी गई है। इसकी इंजन के बारे में बात करते हैं, पहले इसका हुड ओपन करते हैं, और यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं इसका हुड। तो हुड इंजन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो निकलता है 65 हॉर्स पावर और 90 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। 1.2 का आपको इसमें ऑप्शन नहीं आता, जो आपको वैगनार में मिलता है, पर ये उसे एक सेगमेंट नीचे लगती है गाड़ी। तो इसमें अब सिर्फ आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है, कोई इंसुलेशन आपको नहीं दी गई है। माइलेज की अगर बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा क्लेम करती है माइलेज इसमें मारुति, जहाँ पे आपको VXi AMT में 26 की माइलेज मिलेगी, जहाँ पे यहाँ पे इसके आपको मैनुअल में ऑलमोस्ट आपको 25 की माइलेज मिलेगी। तो बंद कर सकते हैं इसका हुड। तो बात करते हैं अब इसके साइड प्रोफाइल की। तो ऐसे कुछ पूरा का पूरा आपको यहाँ पे इसका साइड प्रोफाइल मिलता है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि इसका स्पेस बढ़ाया है, इसका व्हील बेस भी 10 mm से बढ़ाया है मारुति ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फेंडर्स पे ही इंडिकेटर्स मिलते हैं, पर ORVM और डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर्ड ही मिलते हैं। की होल दी गई है, कोई कीलेस एंट्री आपको इस वेरिएंट पे नहीं आती ऑब्वियसली। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लैक ट्रीटमेंट नहीं मिलती, जो आपको ऊपर के वेरियंट्स में यहाँ पर मिल जाएगी। ऊपर आपको मिल जाएगा इसका माइक्रोवेव एंटीना। और स्पेस के बारे में बात करते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मारुति सेलेरियो में मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो स्टक आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिलेंगे। और बैठ के देखते हैं, लेग रूम काफ़ी आपको अच्छा मिल जाएगा अब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी यूनिकली आपको यहाँ पे इसके बैक के पावर विंडो के स्विच मिलते हैं, ना कि डोर हैंडल पे, विच इज़ रैदर यूनिक। स्टक हेडरेस्ट है दोनों साइड पे, कोई हैंडरेस्ट आपको नहीं मिलता, पर आप सीट 60-40 में स्प्लिट ज़रूर कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल्स आपको मिलेंगे ड्राइवर साइड को छोड़ के सभी के साइड पे, और ऐसा कुछ इसका दिखता है इंटीरियर अगर बात करते हैं पीछे से। तो अब देखते हैं इसका बूट का एरिया और क्या आपको चेंजेस मिलते हैं इसके रियर में। तो चलते हैं, तो रियर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो रियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, काफ़ी पूरा का पूरा गाड़ी ही रीडिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे आपको इसके मिलते हैं इसके टेल लैंप्स, जो LED नहीं है, रिवर्स लाइट, और यहाँ पे आपको इसके मिलते हैं ब्रेकिंग लाइट्स। यहाँ पे आपको दिया गया इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप, कोई डिफॉगर्स या वाइपर्स इस वेरियंट में नहीं आते। और पार्किंग के लिए आपको सिर्फ 2 सेंसर आते हैं, 4 नहीं, और कैमरा भी आपको अपर वेरियंट में मिलेगा, इस वेरियंट में आपको कैमरा नहीं आता। बूट साइज़ की अगर बात करते हैं, तो ऐसा ही कुछ हैंडल दिया गया है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन इसमें नहीं आता, जो टॉप वेरिएंट में आता है। और बूट साइज़ की अगर बात करते हैं, तो 3 लीटर्स का, जो पिछले जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा है, उसमें बढ़ाई दी गई है। और सीट आप देख रहे हैं 60-40 में स्प्लिट कर सकते हैं, कोई बूट लैम्प नहीं है। और स्पेयर टायर की अगर बात करते हैं, तो सेम आपको स्टील व्हील मिलता है 14 इंचज़ का। तो यही था इसके बूट के बारे में। और ये जो हैंडल है, वो मारुति एक्चुअली में चेंज कर सकती थी, ये भी वही सेम है जैसे कि आगे है। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक
अंदर की तरफ से दे सकते थे, पर यही हैंडल इसे यूनिक बना देता है। सेलेरियो की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, और यही था इसके रियर प्रोफाइल में। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसके रिफ्लेक्टर्स। तो यही था इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो अब बढ़ेंगे आगे और इसके फ्रंट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो कैसा फ्रंट में आपको फ़ीचर्स मिलते हैं चेक कर लेते हैं। फ्रंट में क्या फीचर्स आपको मिलते हैं सेलेरियो के VXI वेरिएंट में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया इसका की होल, कोई कीलेस एंट्री आपको इसमें नहीं मिलती। और डोर पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो डोर पे आपको एक छोटा सा बॉटल होल्डर दिया गया है, डोर पॉकेट्स। और यहाँ पे आपको कोई बटन्स नहीं मिलते, पूरा का पूरा एम्प्टी छोड़ दिया है मारुति ने यहाँ पे। पर हार्ड प्लास्टिक है, कोई सॉफ्ट टच आपको नहीं मिलता। सिल्वर कलर की आपको डोर हैंडल्स दिए। यहाँ पे इसका स्पीकर की ग्रिल, पर इस वेरिएंट में आपको कोई स्पीकर्स नहीं आते। बैठ के देखते हैं पहले। तो सीट्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टक हेडरेस्ट मिलते हैं, फैब्रिक की सीट दी गई है, और इसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते हाइट के लिए, सिर्फ आप इसे रिक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ से ओपन कर सकती था बूट। पेट्रोल का लिड जो आता है 32 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक, यहाँ से हम ओपन कर सकते था हुड। ये इसका मैनुअल वर्जन है, AMT वर्जन में भी इसे आप ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे इसके लाइट कंट्रोल्स काफ़ी अलग टाइप के आपको यहाँ पे इसके लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं। AC वेंट्स आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में मिलते हैं और ना कि क्रोम। यहाँ पे आप अगर ऊपर का वेरिएंट लेते हैं, मतलब ZXI+, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐसे इंजन स्टार्ट स्टॉप, पर यहाँ पे आपको की होल ही दिया गया है इस वेरिएंट के लिए। आप यहाँ से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे है इसका ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, जो सिग्नल पे आपकी गाड़ी बंद कर देता है पेट्रोल सेव करने के लिए। ये ORVM के कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकली आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो बैठ के देखते हैं कैसा कम्फर्ट है, और बात करते हैं इसकी इंटीरियर के फीचर्स की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मिलता है, और पहले की इंसर्ट कर लेते हैं। कोई की रिंग लाइट आपको इसमें नहीं आती। तो स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। तो स्टीयरिंग व्हील सीधा मारुति वैगनार से आता है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे आपको कोई डीकट स्टीयरिंग ना लेदर रैपिंग नहीं मिलती ऑब्वियसली, तो ना ही आपको इसमें मिलते हैं बटन्स, क्योंकि इसमें कोई स्टीरियो ही नहीं आता, तो बटन्स का क्या ही करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका मीटर, जो मीटर थोड़ा डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि इसमें टैकोमीटर देना चाहिए था, क्योंकि VXI के AMT वेरिएंट में आपको टैकोमीटर ज़रूर दिया गया है। ये छोटा वाला यहाँ पे आता है जो वैगनार की तरह है, वैसे ही आपको यहाँ पे टैकोमीटर देना चाहिए था जो AMT वेरिएंट में आता है। यहाँ पे आपको इसकी जॉयस्टिक दी गई है इसे चेंज करने के लिए। यहाँ पे आप ट्रिप सेट कर सकते हैं, आपका एवरेज फ्यूल कंजम्पशन और सब चेक कर सकते हैं। अभी क्या एवरेज है, ये तो आइडल वाली। यहाँ पे आपको जरूर दी गई इसकी लाइट के कंट्रोल्स, नो ऑटोमेटिक, और ये इसके वाइपर के कंट्रोल्स। ऊपर सनवाइज़र की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर दिया गया है, लेफ्ट साइड के सनवाइज़र पे आपको एक मिरर दिया गया है। ग्रैब हैंडल्स ड्राइवर साइड को छोड़ के सभी के साइड पे, और यहाँ पे इसके हैलोजन लाइट्स। ORVM दिया गया है, ये डे नाइट वाला है, कोई ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोक्रोमिक नहीं है। और इसके आते हैं सेंटर कंसोल पे, तो सेंटर कंसोल पे आप देख रहे हैं, तो कोई स्टीरियो आपको इसमें नहीं आता। एटलीस्ट एक 2D का तो देना चाहिए था, क्योंकि एक ही, मतलब ये ऑलमोस्ट सेकेंड वेस हुआ इस वेरिएंट का, क्योंकि इसमें स्टीरियो नहीं आता, तो एक सबसे बड़ा मिस लगा मुझे ये। ये AC वेंट्स की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी दी गई है, नया जनरेशन इससे पता चलता है, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा रीडिज़ाइन है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर ये म्यूज़िक सिस्टम होना चाहिए था, ये काफ़ी यूनिकली प्लेस्ड किए हैं। यहाँ पे आपको ये जो बटन्स यहाँ पे होने चाहिए थे, ये बीच में दिए हैं, तो इसे मतलब आदत लगने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो आपको इधर एक मतलब एक आदत हो गई होगी, जो आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉक अनलॉक का बटन भी आपको यहाँ पे मिलता है, चाइल्ड लॉक का, और ये फ्रंट दो पावर विंडो का, ये देखिए, और ये आपको सिर्फ ऑटो अप, सॉरी ऑटो डाउन मिलती है, ऑटो अप आपको नहीं मिलेगी। हैज़र्ड लाइट का आपको यहाँ पे स्विच दिया गया है ऑटोमेटिक, आपको क्लाइमेट जोन किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता, इसके टॉप वेरिएंट में भी आपको मैनुअल AC मिलेगा। ये 12V का एक चार्जिंग सॉकेट, और अगर ये टॉप वेरिएंट होता है, यहाँ पे भी आपको एक माइक्रो USB और एक ऑक्स का पोर्ट मिलता। यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस, दो कप होल्डर्स, और ये इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, जो क्रोम के बिना आता है, कोई इसकी डिटेलिंग नहीं है, सिर्फ एक ब्लैक कलर के फिनिश में दिया गया है, पर ये सराउंडिंग इसे काफ़ी अच्छा लगता है। ये स्पेस थोड़ा वेस्टेड लगता है, क्योंकि यहाँ पे कप होल्डर हो सकता था। ये इसका मैनुअल हैंडब्रेक, कोई आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। ये पावर विंडो जो बैक के लिए थोड़े
अब बात करते हैं इसकी सेफ़्टी के बारे में। तो सेफ़्टी के लिए आपको यहाँ पे इसके दो एयरबैग्स मिलते हैं ABS EBD के साथ। ये नई प्लेटफॉर्म पे बनी गई है जो है इसका हार्टटेक प्लेटफॉर्म। तो सेलेरियो एक ही गाड़ी थी जो अभी तक हार्टटेक प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, पर अब ये भी हार्टटेक प्लेटफॉर्म पे है। तो सेफ़्टी के लिए आपको सिर्फ दो एयरबैग्स और ABS EBD दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ग्लव बॉक्स, तो ग्लव बॉक्स में आपको डिसेंट साइज़ का मिलता है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, पर इसमें आपको कूलिंग या इल्यूमिनेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको दी गई है इसके कट्स एंड क्रीजेस, ये थोड़ा डीप होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे भी आप फ़ोन रख सकते थे, अगर होती तो मारुति इसमें चेंज कर देती। तो यही थे इसके इंटीरियर के फीचर्स और सब कुछ। कुछ ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है क्योंकि इसमें स्टीरियो ही मिसिंग लगता है, तो यही सबसे बड़ा मिस लगा मुझे। और अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइसिंग के बारे में बात करने के लिए हम चलते हैं बाहर। तो प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो प्राइस इसका VXI वेरिएंट है ये, तो ये आपको ऑलमोस्ट पड़ेगा 5,50,000 के अराउंड, और इसी की आपको ऑन रोड प्राइस आती है 6,50,000 के अराउंड। अगर आपको इसमें AMT चाहिए तो 50,000 ऐड कीजिए, और इसमें आप AMT वर्जन ले सकते हैं, तो इसमें आपको एक टैकोमीटर ज़रूर दिया गया है। तो यही थी इसकी प्राइसिंग, और इंजन के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो यही था इसका वीडियो फीचर्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।